हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर एफर्ट की एक और वीडियो में। और ये भी एक बिल्डअप वीडियो है और आज हम बिल्ड करेंगे और हम कह सकते हैं टीयर 4 करेंगे सिल्वर सर्फर को। तो पॉइंट ये है कि थानोस मेरा पहले ही लेवल 80 है, पर थानोस को टीयर 4 करने से पहले मैं सिल्वर सर्फर को करूँगा क्योंकि जल्दी मुझे उसकी यूनिफॉर्म लेनी है। आपको तो पता ही है यूनिफॉर्म आ गई है और 50% ऑफ भी आने वाला है अपनी एनिवर्सरी पे आपके इलाके का, तो पहले मैं इसको टीयर 4 कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जैसे इसकी यूनिफॉर्म आ जाए ये बिल्कुल राइट क्योंकि मुझे ये थानोस से ज़्यादा पसंद के साथ साथ ज़्यादा पास होगा। उसके बाद जब मेरे पास फिर से 10 बुक ऑफ विशाप की हो जाएगी उसके बाद हम थानोस करेंगे, ठीक है। बुक ऑफ विशाप की कमी की वजह से हम दोनों के एक साथ टीयर 4 नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सल कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टीयर 4 के लिए जो कि सुबह सफर था। आप देख सकते हैं कि सिर्फ लेवल 70 टीयर 3 है ये, और इसे जो मैं रियलाइज कर रखा है अगर आपको गोल दिख रहा है तो गोल देख लीजिए, लगभग है बहुत सारा है यार 81,79,93,000 है। 80 लाख मान लेते हैं, 81,80,00,000 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बिल्डअप वीडियो सिल्वर सर्फर। पोटेंशियल अनलॉक हो गया, अनाउंस करेंगे पोटेंशियल। उसके लिए हमारे पास लाइफ सीड्स ईओडी एंड टीसीपी लगेंगे, तो हम ईओडी 100% के साथ करेंगे, वही ठीक रहेगा, ठीक है। वैसे वैल्यूज और देख लेते हैं, ये लगेंगे 50, ये लगेंगे 171 और ये लगेंगे 121 के साथ, 100% के साथ किया। फिर से लेवल अप करना है, तो मटीरियल में बोनस मिल रहा है वो बैम का, ठीक है। देखो बैम के मटीरियल का 600 आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा, तो देखो मेरे पास बैम और बायोमेट्रिक्स 9000 पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बायोमेट्रिक्स यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि क्या करूँगा मैं थर बायोमेट्रिक्स का, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, सही में कभी खत्म नहीं होगा। वो बायोमेट्रिक्स में आप बताए तो कितने मिलेंगे, तो मिलेंगे 9000। तो हम यूज़ करते हैं ये तो इसके एक्सपर है, ठीक है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे पार्लियामेंट यूज़ कर पार्लियामेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। आईडी के वैसे बहुत बार उसके बाद वैसे रेड कर लिए तो रेड कर कम होंगे, रेड कलर में कम होंगे, हम रेड कलर कर लेंगे ठीक है। अगला अनाउंस पोटेंशियल ये लगेंगे 100, ये लगेंगे 341 और ये लगेंगे 241, 341 के अंदर 100 अभी स्टे नहीं कहीं, ठीक है। और अब बायोस जो लगेंगे वो लगेंगे 1053 बायोस, बैम मैंने आपको बताया नहीं इस बार, सॉरी माफ कर देना। 149 लाइफ सीड्स अगले पोटेंशियल के लिए, 511 ईओडी एंड 362 टीसीपी, 511 ईओडी के साथ हम लेवल अप करेंगे, ठीक है। लेवल अप करेंगे मटेरियल्स में देखा जाए तो सिर्फ 790 लगेंगे, वहीं पर अगर हम बायोमेट्रिक्स देखें तो वो लगेंगे 118 जो कि ज़्यादा नहीं, ठीक है, अभी भी काम चला हुआ चल जाएगा काम। एनहांस पोटेंशियल अगला वाला ये 296, ये 1021 और ये 736, ठीक है। तो ईओडी लेंगे 1021 के साथ 100%, ठीक है। लेवल अप करेंगे फिर से मटेरियल में देखेंगे सिर्फ 888 लगेंगे, जबकि वहीं बायोमेट्रिक्स में देखेंगे हम तो लग जाएंगे 133 पेयरबल। और अब लास्ट एनहांस पोटेंशियल जिसमें मिलेंगे 394 लाइक सीट्स, 1370 एसएल सबवेंशन ईओडी एंड 931 पीसी, लास्ट लेवल अप करेंगे मेट्रिकल सिर्फ 999 लगने वाले का 1000, वहीं पर अगर बायोमेट्रिक्स जो लगेंगे वो लगेंगे अराउंड 1498 क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है 1500 ही है पर जो भी हो। तो हमारा लेवल अप तो हो गया, तो लेवल 80 तो हमने कर लिया सुबह सुबह। तो अब बात आती है इसकी गियर्स की जो कि कम ही है, ठीक है। तो गियर्स में आप देख सकते हैं इतने ऊपर CCF, इतने ऊपर कार्बोनेडियम, इतने हमारे पास सोलो फाइट, ठीक है। मैं आपको गियर्स का समय बता दूंगा कितने कितने ये यूज है। वैसे आप नॉर्मली देख ले तो ये 53,500 है और ये 32,500 है और ये है 73,000, देखते हैं कितना हो पाता है। रो फॉर 30 करते हैं, ठीक है, रिले अनाउंसिंग कर देते हैं। तो चल देखते हैं 13 इज वेरी बैड फॉर फर्स्ट गियर, 3 इज वेरी गुड फॉर सेकंड गियर, 20 इज वेरी बैड फॉर थर्ड गियर, 22 इज वेरी बैड फॉर फोर्थ गियर, 27 इज वेरी वेरी बैड फॉर फिफ्थ गियर। हम पहले गियर्स में तो अच्छे खासे लुक गए हैं, अगला देखते हैं 2 is good for first year, 12 is kind of bad for second year, 19 is kind of bad for third year, 11 is good for fourth year, 19 is average for third year, ठीक है। तो इस बार भी एवरेज से थोड़ा तो बेकार ही रहेगा क्योंकि पिछली बार की अनलकी की वजह से, ठीक है। 6 kind of good, bad year, 4 is good, 12 is kind of average मान सकते हैं, 3 is very very good for fourth year and 13 is also good, हमें एवरेज का फिर से हम एवरेज पे आ गए। और अब ये आखिरी जो ईयर है यही बताएगा कि अनलकी नहीं है, 8 is bad, 11 is kind of bad for second year, 14 is kind of bad for third year, 16 is kind of bad for fourth year, 13 is very good. मुझे लग रहा है हम एवरेज से थोड़ी लकी साइड पर आ गए लास्ट 13। चलो जो भी हो
ये तो हुई हमारे गियर्स की बात। अब इसके बाद आएंगे स्किल्स, हम डायरेक्ट स्किल्स में चलते हैं। वो बोलेगा सिर्फ हम पहले चल रहे हैं पहले मटेरियल्स ठीक है, कितने मटेरियल्स यूज हुए ये बताओ पहले। तो हमारे पास यूज होने वाले थे इसमें सीसीएस 71,000 हो गए, 73,000 से 2,000 तो ये लग गए ठीक है। और लाइफ सीड्स और वो कहाँ होते हैं, ये होते हैं कार्बोनेडियम और लाइफ सीड्स। देखो कार्बोनेडियम 53,500 थे जो 47,000 हो गए, तो 6,000 के आसपास ये यूज हो गए। और ये थे शायद 32,500 जो कि 28,500 हो गए, तो 4,000 ये 32,500 से 33,000 जितने भी थे उस हिसाब से बाकी मैं यहाँ पे लिख दूँ ठीक है। अब बैक चलते, अब आती है अपग्रेड स्किल्स, जिसमें हमें सारी स्किल्स करनी होगी विद लाइफ सीड्स। और इसके लिए हमें जैसे 250 लगते हैं, और क्योंकि ये नेटिव टीयर 2 है थ्री टेन ये भी पूरे पांचों की पांचों स्किल के लिए हमें 310 देने पड़े, यानी कि लगभग 1550 को लाइफ सीड्स ही लगते ठीक है। इससे बाद मुझे लगता है कि एडवांसमेंट टीयर 4 का रेडी है ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 बुक ऑफ विशांति लगेगा जो कि लगना ही है, चाहे प्रीमियम कैरेक्टर हो या नहीं हो, नेटिव टीयर 2 हो या नहीं हो। और आप देख सकते हैं कि लाइफ सीड्स ज़्यादा मांग रहा है ये क्योंकि नेटिव टीयर 2 है, कार्बोनेडियम भी ज़्यादा मांग रहा है और सोल ऑफ फैल्टीन भी ज़्यादा मांग रहा है। ये 1200 है, ये 2200 मांग रहा है और चलो मांग रहा है 1600 को, और ये 1400 चलो जो सबसे ज़्यादा है वही सबसे कम मांग रहा है। स्टार्ट करते हैं 1,000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ चलो लेट्स गो फॉर एडवांसमेंट। वही टीयर 3 का एडवांसमेंट है सेम ठीक है ना, टीयर 4 पे कर दिया है टीयर 4 शेयर करने की आई डोंट थिंक जरूरत है, थोड़ा अलाइन वालों को चढ़ा सकते हैं नहीं चढ़ा रहा। चैलेंजेस में कुछ भी नहीं, टीयर 4 करने का हमें अचीवमेंट अवार्ड मिला होगा, प्लीज दिखा दो भाई आओ, कोई फर्क ना पड़ता चेक करो ठीक है। तो ये था चैलेंजेस कम्प्लीट, डिटेल्स में देखा जाए हमारे पास तो क्रिटिकल डैमेज बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल रेट थोड़ी कम है, डॉज भी कम है, तो क्रिटिकल डैमेज थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा है, तो यहाँ से हम क्रिटिकल डैमेज अब बता सकते हैं। और मेरे हिसाब से क्रिटिकल रेट से पहले डॉज को लेना ठीक रहेगा क्योंकि डॉज ज़्यादा डॉज अच्छा खासा बढ़ जाएगा, 52% का डायरेक्ट 72% क्रिटिकल डैमेज थोड़ा ही कम हुआ है, क्रिटिकल रेट भी थोड़ा हम सबको डॉज का हम दे देंगे यहाँ से। ओह यहाँ से हमने पहले ही दे रखा है, पहले वो देख लेंगे। स्किल्स में स्ट्राइकर सेट करने हम बाद में कर देंगे, टाइप अनाउंसमेंट क्योंकि नेटिव टीयर 2 है तो हमें टाइप अनाउंसमेंट इसका टिकट से तो होगा नहीं, तो एक ट्राई मार लो एक ट्राई और ज़्यादा ट्राई क्या है, थानोस भी तो है कोई बात नहीं, सिल्वर सफर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ लास्ट ट्राई हो रहा है सब, आइसोलेट पूरा पावर ऑफ एंग्री हेल दे रखा है, शायद ओवर ड्राइव हो तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो मेरे पास का आर्टिफैक्ट नहीं है, काश इसका आर्टिफैक्ट होता हमारे पास, लीडरशिप एबिलिटीज वाला वो दे रखा है, इसका हमने सही वो भी नहीं दे रखा है। इंस्टिंक्ट इसकी, मैं इंस्टिंक्ट कौन सी है मैं डिटेल्स में दिखाएंगे, इंस्टिंक्ट इसकी इंस्टिंक्ट है ऑर्डर शेट, और हमने इसे दे रखी जस्टिस। काश हमारे पास ऑर्डर का कुछ होता तो हम बोल देते, ऑर्डर का अभी होगा ना तो जस्टिस में दिखा रहा है, इसका तो ऑर्डर है ना, ऑर्डर है कि जस्टिस है, ऑर्डर है ऑर्डर है ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर का हमारे पास कुछ है ऑर्डर का, ये रहा तो ईविल का, ये लीड ये भी जस्टिस का है और ईविल ये लीडरशिप और डिस्ट्रक्शन का, ज़्यादा नहीं है जैसे खुद का आर्टिफैक्ट मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कस्टम गेयर में हमने सिर्फ रीज़न दे रखा है, हमें इसके रीजन को क्या करना होगा रिफोर्ज करना होगा, तो वो भी हम करेंगे पर जब क्रिस्टल्स के यूज आने क्रिस्टल स्पेंडिंग इवेंट आएगा ना तब करेंगे इसके रिफोर्ज। एक मिनट, इसको रिफोर्ज करने में क्रिस्टल स्पेंडिंग की जरूरत है, हमें CTP वो जो चांस ऑफ है ना शायद उसकी जरूरत है शायद, पता नहीं। बाकी यूनिफॉर्म में देखा जाए तो एनर्जी अटैक अटैक स्पीड और वैसे करने ये अटैक स्पीड हटा दो काम की नहीं है, अटैक स्पीड की जगह HP करो, वी नीड HP
एनर्जी बढ़ा बोलो ठीक है। एनर्जी अटैक की जगह और कुछ रख सकते हैं ना, एचपी रख सकते हैं बस, ऑलवेज रैंक सही है ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा पूरा सिल्वर सफर रेडी है, जिसमें थोड़ी थोड़ी कमी है। यहाँ पे 3% कम है डॉज, यहाँ पे लगभग 7% कम है क्रिटिकल रेट, और यहाँ पे 8% कम है क्रिटिकल रेट, मतलब थोड़ा थोड़ा कम है। और कूल डाउन फुल एकदम बेस्ट है, इग्नोर डिफेंस एकदम बेस्ट है, अटैक्स को बताऊँ फुल एकदम लगी लेवल पर जाए ठीक है। तो यही था सिल्वर सफर टी एफ फोर, हमारा अगला टी एफ फोर ठीक है सॉरी। तो ये हमारा एक और पी वी पी का टी एफ फोर सिल्वर सफर, और क्या कह सकते हैं, हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस, गैलेक्टस का पंटर, वट एवर ही इज ठीक है, रेडी है हमारा अगला टी एफ फोर भी रेडी है, और वो भी पी वी पी के लिए और यूनिवर्स ठीक है। अब जब बुक ऑफ शांति कम्प्लीट हो जाएगी तब हम थानोस को भी टी एफ फोर कर देंगे, और साथ ही साथ हम इसकी न्यू यूनिफॉर्म भी लेंगे, जो कि कौन सी है, ये थानोस विंस नाम है इसका ठीक है। ये भी 50% ऑफ पे आएगी ना, 50% ऑफ पे लेंगे अपन यूनिफॉर्म पहले मिले थानोस की बात छोड़ो। तो ये था हमारा सिंपल क्या कहते हैं सिल्वर सफर। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।